नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला का फेज 4 चल रहा है और ये पांचवा सप्ताह है जो आपका 28 जून से स्टार्ट होगा। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को दिनांक 28/6/2021 से 3/7/2021 तक क्या क्या कार्य हमें बच्चों को भेजना है, इसके बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला, ये आपका उच्च प्राथमिक का है। तो सबसे पहले तो आपको अभिभावकों को समझाना है कि वे शिक्षकों से संपर्क करें और विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ें। हालांकि इसमें लिखा हुआ है शिक्षकों से संपर्क करके विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ें, लेकिन कोई भी अभिभावक अपने आप नहीं जुड़ेगा, आपको स्वयं प्रयास करना होगा। उसके बाद उनके मोबाइल में प्रेरणा लक्ष्य ऐप को इंस्टॉल कराना है आपको। इसके साथ साथ दीक्षा ऐप को उनके मोबाइल में इंस्टॉल कराना है। उसके साथ साथ आप अभिभावकों को समझाएंगे कि प्रतिदिन 1 घंटा बच्चों के साथ फोन और किताब लेकर पढ़ाई करने बैठें, जिससे कि आपके बच्चे पढ़ सकें। इसके साथ साथ आपको अभिभावकों को समझाना है व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजे गए कार्य करें, करते कर समय बच्चों को फोटो और वीडियो लेकर शिक्षकों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में साझा करें। 20 मिनट तक प्रेरणा लक्ष्य ऐप पर भाषा और गणित के प्रश्नों का अभ्यास करें और इसके साथ साथ 30 मिनट जो दूरदर्शन पर कार्यक्रम आते हैं वो बच्चों को आपको कराने हैं। ये आपको अभिभावकों को समझाना है, आपको टाइम टेबल बता देना है कि किस टाइम पर उनके बच्चे का प्रोग्राम आएगा। इसके साथ साथ प्रत्येक शनिवार को स्पेशल क्विज आती है, उस क्विज का लिंक आपको व्हाट्सएप बच्चों को भेजना है और बच्चों को समझाना है किस तरह से उन्हें क्विज करनी है। अब बात करते हैं कक्षा 6 के बच्चों को। कक्षा 6 के बच्चों को सोमवार को अनोखा संसार यूपी स्टोरी 13, इसका लिंक आपको बच्चों को भेजना है। आपके बचपन के किस्से, ये एक्टिविटी है 19, इसका लिंक आपको बच्चों को भेजना है। उसके बाद बुधवार को अनोखा घोंसला, इसका ये आपकी स्टोरी नंबर 14 है, इसका लिंक आपको बच्चों को भेजना है। बदल के देखो एक्टिविटी 20, इसका लिंक आपको बच्चों को भेजना है। शुक्रवार को अकेली मछली यूपी स्टोरी 15, इसका लिंक आपको बच्चों को भेजना है। और बदलो अपना नाम एक्टिविटी 21, इसका लिंक आपको बच्चों को भेजना है। अब बात करते हैं कक्षा 7 की। कक्षा 7 के बच्चों को सोमवार को अनोखा संसार एक्टिविटी नंबर 13, इसका लिंक भेजना है। आपके बचपन के किस्से एक्टिविटी 19, इसका लिंक आपको भेजना है। ये लिंक मैं आपको प्रत्येक सोमवार को उपलब्ध करा दूंगा, सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को वीडियो के माध्यम से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप आसानी से बच्चों को भेज सकते हैं। अब बात करते हैं बुधवार को अनोखा घोंसला, ये स्टोरी नंबर 14 है, ये लिंक आपको बच्चों को भेजना है। बदल के देखो एक्टिविटी 20, ये लिंक आपको बच्चों को भेजना है। उसके बाद शुक्रवार को अकेली मछली यूपी स्टोरी 15, इसका लिंक आपको बच्चों को भेजना है। और बदलो अपना नाम एक्टिविटी 21, इसका लिंक आपको बच्चों को भेजना है। अब बात करते हैं कक्षा 8 की। कक्षा 8 के बच्चों को सोमवार को अनोखा संसार यूपी स्टोरी 13, इसका लिंक भेजना है। आपके बचपन के किस्से एक्टिविटी 19, ये लिंक आपको बच्चों को भेजना है। उसके बाद बुधवार को अनोखा घोंसला यूपी स्टोरी 14, इसका लिंक आपको बच्चों को भेजना है। और बदल के देखो यूपी एक्टिविटी 20, इसका लिंक आपको बच्चों को भेजना है। शुक्रवार को अकेली मछली, इसका लिंक आपको भेजना है। और बदलो अपना नाम एक्टिविटी 21, ये लिंक आपको बच्चों को भेजना है। मैं कोशिश करूँगा ये वीडियो आपको उपलब्ध करा दूँ ताकि आप डायरेक्ट वीडियो बच्चों को भेज सको, और इसके साथ साथ मैं वीडियो के माध्यम से आपको लिंक भी उपलब्ध करा दूंगा। ये सब मैं आपको टाइम से ही सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को उपलब्ध करा दूंगा। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पर कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।